ये बोला था मुझे, इसीलिए मैं आई थी, वरना मैं तो दोबारा तुझसे मिलने भी नहीं आती। नहीं समझ चल रहा है। क्या समझती है तू अपने आप को? तमीज में दूर हो के, तमीज में क्या समझती है तू अपने आप को? क्या समझती है अपने आप को? तुम्हारे बोलने पे मिलने आई हूँ, ठीक है, जो तुम्हारे वो जो भी है जो अरेंज हमारा करवा रहे हैं उसी के मिलने पे मैं आया हूँ, ठीक है। उसने ही बोला है मुझसे कि जाके एक बार लड़के से मिल लो, बहुत रिक्वेस्ट करी, उसके बाद मैं मिलने आई हूँ। चल ठीक है, करूंगा मैं तुझसे शादी, कर लूंगा। मतलब सुन, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, ठीक है ना? एहसान नहीं चाहिए, मैं तुझ पे एहसान कर रहा हूँ तुझसे शादी करके। अच्छा हाँ, बोला था कि लड़का अपनी गलती मानेगा और सॉरी बोलेगा, ठीक है, इसीलिए मैं मिलने आ गई हूँ। देख तुझे हर चीज का सुख दूंगा, मतलब हर चीज की खुशी दूंगा तुझे, ठीक है। वह तो मैं रहता हूँ लिविंग में एक लड़की के साथ, वह तो तू कुछ ला नहीं रही मतलब अपने घर से, यानी तू दहेज में कुछ नहीं लाएगी। चल वो भी मैं कॉम्प्रो करता हूँ, तुझसे शादी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, और लिविंग में मैं रहता ही हूँ किसी लड़की के साथ, थोड़ा दूर होके। हाँ लिविंग में रहता हूँ किसी लड़की के साथ, ठीक है, तुझसे शादी करूँगा, ठीक है, तुझे कुछ नहीं करना। अच्छा जो तू जॉब करती है, छोटी मोटी जॉब करती थी तू, वो भी तुझे नहीं करनी, ठीक है। मेरे घर वालों का ख्याल रखियो, मम्मी पापा का मेरा ध्यान रखियो तू, ठीक है। और तू? और मैं तुझे भी चेक भी चेक तो करना है शादी से पहले, मतलब मैं तुझे चेक करना चाहता हूँ। क्यों, गर्लफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम है? तो एक दफा चेक हो जाए तो देख, मैं चांटा भी लगा देती हूँ इतनी देर में, ठीक है ना, तो दूर होके बात कर ले, समझ में आ रही है? अभी तो हमारी शादी होने वाली है, और वैसे भी इतना मैं फोर्स, दूर होके बात कर पहली बात तो दूर। और मुझे बोला गया था कि लड़का सॉरी बोलेगा, जो भी गलती हुई है बात करेगा वो ढंग में, ठीक है। आज तो बहुत ज्यादा हॉट लग रही है मुझे। अच्छा तुझे मैं दो तीन दिन में हॉट लगने लग गई? दो तीन दिन में बाबू, बहुत दिन हो गए। बहुत दिन तो हुए नहीं है, अभी क्यों झूठ बोले जा रहा है? खैर देख, मेरे दोस्त का फ्लैट है। अच्छा ओके हाँ, चलेंगे हम दोनों। क्या करने यार, इतना भी वो मत कर। देख सुन मेरी बात, मैं तुझसे बात करने आई हूँ तो हम बात करके ना खुद ही मैनेज कर ले कि हम एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, यही हमारे लिए कम्फर्ट रहेगा। फोकस करने आई है उसके इतना जोर देने से आ गई मुझसे मिलने, तो चाहती है ना शादी करना? नहीं मैं ना थोड़ी बड़ों की इज्जत कर लेती हूँ और कुछ नहीं है। अच्छा बड़ों की इज्जत? हाँ बड़ों की इज्जत कर लेती हूँ, क्योंकि उन शायद उन अंकल को मैं जानती हूँ, ठीक है, बहुत टाइम से हमारी फैमिली जानती है, तो जिससे रिश्ता करा रहे हैं उन्हें नहीं, मतलब मुझे नहीं पता थी कि इतने भी बदतमीज लड़के होते हैं, ठीक है ना? तो करना चाहता हूँ तुझसे शादी, तुझे हर चीज़ दूंगा। अच्छा ठीक है, ज़्यादा तेरे साथ नहीं रहूँगा, उसके साथ रहूँगा जिसके साथ हूँ मैं, जिससे मैं प्यार करता हूँ। तू क्या एहसान कर रहा है मुझसे? तुझ पे एहसान कर रहा हूँ और क्या, तुझसे शादी करके। वह तो कुछ लाएगी नहीं ना तू, वह तो मैंने तुझसे फॉर्चुनर की डिमांड की थी ना। अच्छा तो मैं ना तेरे को फॉर्चुनर दे सकती, ना मैं तेरे को कुछ भी दे सकती, ठीक है ना, बात यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो तू अपने जिसके साथ लिविंग में रहता है उसके साथ रहे, मुझे तेरे एहसान की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कमा के खुद कर सकती हूँ जो मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है ना? एहसान करूँगा, एहसान करता हूँ मैं तुझे। दूर होके बात कर, ठीक है? नहीं कर रहा मैं। हम क्लियर कर लें कि हम ना मिलें और दोबारा हम अपनी फैमिली को क्लियर कर दें कि हमारी शादी नहीं होगी। अब हम अपने दोस्त के फ्लैट में मिलेंगे। अपने घर वालों को बताया कि तू इतना बदतमीज है? तुम्हें पता है? देख हाँ तो बदतमीज है। हाँ तो मत लगा, दूर हो जा, मैं चांटा लगा दूंगी वरना, ठीक है? अच्छा। मैं नहीं चाहती कि तेरे में मैं चांटा लगाऊं, तो दूर होके ही बात कर लेगा तो ठीक रहेगा तेरे लिए। अरे बात समझ में, बोल दे अपनी फैमिली को कि वो लड़की शादी नहीं करना चाहती। अरे बात समझ में, नहीं करना चाहती शादी? नहीं करना चाहती। उससे नहीं करना चाहती, किसी से नहीं करना चाहती? मैं तुझसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहती, बाकी मैं अपनी अपने आप मैनेज कर लूंगी कि मेरे को शादी किससे करनी है और किससे शादी नहीं करनी है। या ये कहना चाहती किसी और के साथ है? मैं तुझे क्यों बताऊं कि मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं हूँ? मैं तुझे तो नहीं, तो मैं तो तुझे बता रहा हूँ ना। हाँ तो तू बता रहा है ना, मैं नहीं बता रही ना, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती। तू अच्छा लड़का नहीं है, साफ साफ तेरे मुँह पे बोल रही हूँ मैं, मुझे ना तू पसंद आया, ठीक है? तू मुझे पसंद नहीं थी, फिर भी मैं उसके फोर्स करने से आ गया। किसके फोर्स करने से? इसके फोर्स करने से तू आई है। हाँ तो उन्होंने मुझे बोला कि जाके एक बार बात कर लो, इसीलिए मैं आई हूँ, और कोई बात नहीं है। अरे बात समझ में, कोई बात
हाँ हो गई बात, अपने उनको बोल दे जो भी है, मैं ही बोल दूंगी। मैंने बोल भी दिया था, लेकिन वो बोल रहे थे कि बेटा कोई भी तुम में जो भी बात हुई है, कुछ भी हुई है, तो लड़का आज तुमसे बात करना चाहता है अच्छे से, और मतलब जो भी तुम में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जो भी तुम्हारा मतलब मिल नहीं रहा है उसको क्लियर कर लेना, बस ये बोला था मुझे, इसीलिए मैं आई थी, वरना मैं तो दोबारा तुझसे मिलने भी नहीं आती। ठीक है, मुझे इस बार कुछ ज़्यादा ही वो लग रही है, हॉट। अच्छा क्यों, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है हॉट? काफ़ी हॉट है, मैं चांटा लगाऊंगी तेरे में, हाँ तब जब ज़्यादा पीछे बच जा। जाएं हम, जा सकते हो या मैं चली जाऊं? चलेंगे हम, क्लियर करके जा रहे हैं, मेरे को नहीं शादी करनी है। ओके चल ठीक है, नहीं करनी ना? हाँ मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी ना, नहीं करनी मुझे शादी, नहीं करनी। हाँ देखो बस जाओ यहाँ से, लास्ट मौका दे रहा हूँ मैं तुझे, किस चीज का लास्ट चांस? जब मुझे एहसान कर रहा हूँ, किस चीज का एहसान? जब मुझे शादी करके एहसान, जब मुझे शादी करनी ही नहीं है, नहीं करनी मुझे शादी, तो समझ नहीं आ रहा है। तो शादी नहीं करनी, चल शादी से पहले तो ये चेक तो कर लूँ एक दफ़ा। जब शादी नहीं करनी तो चेक क्या मतलब है? हाँ मेरी जान, तुझे चेक तो कर लूँ। देख बदतमीजी मत कर, मैं बता रही हूँ, मैं हाथ उठाने में ना ज़्यादा देर नहीं लगाती हूँ, पता नहीं मैं क्यों ही बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ चल रहा है। एक तो मैं देख लड़की पे हाथ नहीं उठाता। अच्छा बाल हाथ नहीं उठाता, बाल छोड़ मेरे, पहले बता। तूने आज अब मजबूर कर दिया कि मैं तेरे बाल। हाँ क्या बात, हाँ। अच्छा तू लड़की पे हाथ नहीं उठाते, छोड़ मेरा, ठीक है ना, दूर हट, जैसे से शादी करूंगी मैं, जाए ऐसे।